Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, welcome to Textbook Live class, and here I am Rishabh Pandey, and once again I welcome you all to the live session. Come on guys, get connected fast so that we can start with the session. Kaise ho sabke sab? How are you guys? How are you guys? Kaise ho sare ke sare? तो चलो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, अपने सभी स्टडी ग्रुप्स पे शेयर कर दो सेशन को एज मच एज पॉसिबल. प्रीति, शिवम, कौन है भाई बीच में इतने ज्यादा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. चलो सबसे पहले बता देता हूँ, मेगा सेल 299 ईयरली टेक्सटबुक पास, 100 प्लस कोर्सेज, 12,000 प्लस टेस्ट अवेलेबल है, जो ऑफर एंड हो जाएगा आज, जल्दी से अवेल कर लो. आरआरबी एनटीपीसी लाइव कोचिंग बैच अवेलेबल है, बैच 5 3 मंथ टेक्सटबुक पास के साथ, और 120 प्लस लाइव क्लासेस, 70 प्लस टेस्ट, 8,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 75 प्लस पीडीएफ नोट्स. मैं और मेरे साथ आपके बाकी के गुरुजन सब आपके तैयारी के लिए तत्पर हैं यहाँ पर. तो कम ऑन गाइस, जल्दी से जिसको एनरोल करना है एनरोल हो जाओ. नेक्स्ट यूपीएससी ईपीएफओ का बैच चल रहा है, और ये बैच के लिए एक बार कहना चाहूँगा, यूपीएससी की तैयारी करनी है तो बहुत सही मौका है. एंड लास्ट एसएससी स्टेनोग्राफर का बैच. और इन सब पर एक चीज़ जो तुम लोग हमेशा से जानते हो, मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि ये कोड मेरा अप्लाई करो, ऋषभ पी, RISHABHP, ये कोड अप्लाई करते ही फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा, फ्लैट 20% ऑफ ऑन एनी परचेज, टेक्स्टबुक के किसी भी चीज़ के परचेज पर आपको फ्लैट 20% ऑफ. तो चलो हाँ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वेरी नाइस. सो गाइस, पहला क्वेश्चन तुम सबके सामने ये रहा, हु हैज बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ BWF IIM बैडमिंटन कैंपेन इन अप्रैल 2020. अप्रैल 2020 में BWF के IIM बैडमिंटन अभियान के एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? पीवी सिंधु, सायना नेहवाल, पुलेला गोपीचंद, श्रीकांत किदम्बी. कौन है इसका आंसर, जल्दी से बताओ. लेट्स सी गाइस, फास्ट जल्दी से आंसर करो, फास्ट एवरीवन, लेट्स सी हु इज गोइंग टू गिव द करेक्ट आंसर. वन 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 पीवी सिंधु, आंसर आना शुरू हो गए. वन 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 पीवी सिंधु, वेरी नाइस. तो पीवी सिंधु आंसर आना शुरू हो गए हैं, बहुत सही. बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने पीवी सिंधु को ही बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर, और पीवी सिंधु जैसा कि हम सब जानते हैं वर्ल्ड नंबर 2 रही हैं 2017 में. पद्मश्री अवार्ड किया गया है इनको, राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है इनको, अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2015, 2016, 2013, तीन प्राइस पा चुकी हैं. पद्मश्री 2015 में पाई, राजीव गांधी खेल रत्न 2016 में पाई, और अर्जुन अवार्ड 2013 में पाई हैं. तो इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पीवी सिंधु को, बहुत सही जवाब सबका आ चुका है, वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजामिन नेतन्याहू हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द 2021 नोबेल पीस प्राइज, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है 2021 के? हेलो मनीष, नेहा, गुड इवनिंग, अर्चना, आकांक्षा, मनीष, प्रीति, शिवम, कैंडी, स्वाति, सिप्तेन, सादिक, दिव्या, रीता, वेरी नाइस गाइस, जल्दी से आंसर करते रहो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हो गया, अगले क्वेश्चन का जवाब दो और लाइक और शेयर करते रहो भाई. आज हमारे भी लकी बॉय है जो बराबर धमाका बनाया हुआ है. कनाडा के हैं ये, कनाडा कौन बोल रहा है? मनीष, कनाडा तुमसे उम्मीद नहीं है भाई. बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में बताओ सही. इजराइल, इजराइल, इजराइल आंसर आ रहा है, वेरी नाइस. 111 इजराइल, दैट्स अ करेक्ट आंसर. अच्छा, इजराइल की कैपिटल क्या है? कैपिटल और करेंसी भी बता दो, इजराइल की कैपिटल और करेंसी, जल्दी से फास्ट. देखते हैं किसके उंगलियां सबसे तेज चलती हैं आंसर की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सबका
सामने आ चुका है. हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट ऑन 7 जनवरी 2021. 7 जनवरी 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर एस मुरलीधर, हिमा कोहली, पंकज मित्तल, संजीव बनर्जी. फास्टर गाइस, जल्दी से आंसर करो. जल्दी से आंसर करो गाइस. लेट्स सी व्हाट द करेक्ट आंसर इज. जेरूसेलम. चलो बहुत सही. जेरूसेलम संसद नेसेट है. हिमा कोहली, इसका भी आंसर आ चुका है. हिमा कोहली, बहुत सही. हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट का. वो एक सीनियर जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट की और एक पहली महिला बनी है जिनको तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है. ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है. पहली महिला है तेलंगाना की चीफ जस्टिस बनने वाली. गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो. बहुत सही, जेरूसेलम सही आंसर है सबका. और इजरायली शकल, अर्चना शकल सही है. इजरायली शकल, शकल के साथ साथ इजरायली लगा दो बस, बाकी सब मस्त है. ठीक है, पहले तेल अवीव हुआ करती थी, अब जेरूसेलम है. जस्टिस विनीत कोठारी टुक ओथ एज अ जज इन विच हाई कोर्ट इन इंडिया इन विच हाई कोर्ट ऑन जनवरी 2021. न्यायमूर्ति विनीत कोठारी के जनवरी 2021 में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? गुजरात, पटना, मद्रास, बॉम्बे. गुजरात, पटना, मद्रास, बॉम्बे. गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो. Faster everyone, let's see who's going to give the correct answer. Justice Vineet Kothari ने किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली? गुजरात, पटना, मद्रास, बॉम्बे. गुजरात, गुजरात आंसर आ रहे, बहुत सही. अच्छा गुजरात का जल्दी से कैपिटल बताओ, सीएम बताओ, गवर्नर. अनुराग एनटीपीसी में नहीं आएगा, चलो मान लिया, ये बात मैं मान रहा हूं. अनुराग इतना रीसेंट का नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि नए क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूँ, रट चुके हैं यार, तो इसलिए नए क्वेश्चंस लेके आया. ठीक है, और एक चीज, आगे कई और एग्जाम लगे हुए हैं, उनमें भी काम आ जाएंगे. ठीक है, पुराने वाले चाहिए तो मैं पुराने वाले भी ला दूंगा. हाँ वेरी नाइस अर्चना, आगे किसी एग्जाम में काम आएगा. गांधीनगर, बहुत सही. विजय रूपानी, गांधीनगर और आचार्य देवव्रत. और गांधीनगर को गिफ्ट सिटी के रूप में लिया गया है. ठीक है, फंड कौन दे रहा है? यूके दे रहा है. और कौन से बैंक के माध्यम से दे रहा है? एसबीआई के माध्यम से दे रहा है. वेरी नाइस. हु वन द फर्स्ट प्राइज इन टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2020? दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 में पहला पुरस्कार किसने जीता? जल्दी से बताओ. गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो. वेरी नाइस. अगला क्वेश्चन, दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 में पहला पुरस्कार किसने जीता? चिराग शर्मा, सुब्रत कर, श्रीनिवास करणम, सुशील जोशी. सुशील जोशी आंसर्स आना शुरू हो गए हैं. वेरी नाइस. लेकिन सही आंसर बेटा सुशील जोशी नहीं है. करेक्ट आंसर श्रीनिवास करणम. श्रीनिवास करणम फर्स्ट प्राइज जीते हैं टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड में 2020 के. ठीक है, याद रखो श्रीनिवास करणम. ये बिलोंग, ये 18 दिसंबर 2020 को दिया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मंत्री हमारे रविशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने इसको दिया है. और श्रीनिवास करकम जिनको ये प्राइज मिला है, उन्होंने डीप सी कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी डेवलप की है. डीप सी कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी डेवलप की है. ठीक है, जो फिशरमैन को बहुत ज्यादा
हेल्प आउट करेगी। इसके बाद सुब्रत कर जो कि नई दिल्ली से बिलोंग करते हैं वो सेकंड प्राइस पाए, ठीक है, अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस को जब उन्होंने बात की लार्ज स्केल सेंसर नेटवर्क को लेकर। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी हु इज गोइंग टू गिव द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के नए महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आभा सिंह यदुवंशी, उत्पल कुमार सिंह, विनोद कुमार त्रिपाठी, कल्पना शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट जल्दी से आंसर करो, किसकी नियुक्ति हुई है? हाँ चैट बॉक्स में प्रॉब्लम आ रही है अनुराग, कहीं कहीं अटक जा रहा है फिर एकदम से जा रहे हैं। हाँ सडनली ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं, ये मेरे में भी हो रहा है। उत्पल कुमार सिंह आंसर आना शुरू हो गया है, सबसे पहले पीयूषी का मेरे को आंसर दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले कीर्ति का आंसर आया है, कीर्ति, पीयूषी, रॉकी, सादिक, विक्टोरिया, सबका आंसर आ रहा है सेकंड उत्पल कुमार सिंह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम इन दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 में टाइम द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? एरिक युआन, एंड्रयू यांग, मार्क जुकरबर्ग, जैक डॉर्सी। जल्दी से नेक्स्ट, सभी के में हो रही है ये, ना मेरे ना तुम्हारे बल्कि सब में प्रॉब्लम हो रही है, लिटरली बता रहा हूं, ना मेरे पीसी में सही से मेरे को कमेंट दिख रहे हैं, ना मेरे मोबाइल में, दोनों को ऑन करके रखा हुआ हूं, आधे इस पे देख रहा हूं आधे इस पे देख रहा हूं, ये हाल चल रहा है। ठीक है तो मार्क जुकरबर्ग आंसर आ रहा है बहुतों का, अभी देखो इधर आके अटक चुका है, वहां से देख रहा हूं, तो दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग हेयर माई सेल्फ। सो लेट सी किस क्या सही आंसर है। द करेक्ट आंसर इज एरिक युआन, एरिक युआन सही आंसर आ रहा है, और मेरे को नहीं पता किसने किसने ये आंसर दिया है, मेरे को केवल विक्टोरिया मंडल का दिखाई दे रहा है एरिक युआन, और किसी का आंसर मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, रॉकी का भी दिखाई दिया है। सो गाइज वी ऑल आर फेसिंग दिस टेक्निकल ग्लिच ओवर हेयर। द ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवेन फॉर रेयर अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, निम्न में से किस क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? जीन प्रिजर्वेशन, जीन संरक्षण, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल। 1st एरिक युआन जूम, बहुत सही। अगले क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, ले देखते हैं कौन सबसे पहला जवाब दे रहा है। मेरे पास अगले क्वेश्चन के जवाब अभी तक नहीं आया। अभिषेक का सबसे पहला आंसर आ रहा है अभिषेक, और उससे पहले आंसर आया है सिप्तैन का, सिप्तैन रजा ने बोला है सेकेंड अभिषेक चक्रवर्ती, सेकेंड एनवायरमेंट, देन स्वाति, विद्या, प्रदीप ने 1 बोला है, विक्टोरिया ने 4, बट द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज 2, एनवायरमेंट कंजर्वेशन सही जवाब है हमारा, बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है जल्दी से बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। अनुराग तुम आंसर करते रहो नो इशू, विद्या, अनुराग, जिनका भी दिक्कत आ रहा है सबसे यही कहूंगा, कैंडी बॉय, एनीवन। देखो यार मैं भी इशू फेस कर रहा हूँ, तुम सब भी फेस कर रहे हो, अर्चना, लियोनार्ड, पुनीत, मानव, सादिक, रजनीश, किसी का कोई डाउट आ रहा है तो यार वही 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, हम सबके साथ वो दिक्कत आ रही है, टेक्निकल ग्लिच तो सबका ही चल रहा है, तो कोई इशू नहीं, तुम लोग अपना आंसर देते रहो, दैट्स द बेस्ट थिंग, अपना अपना प्रिपरेशन करते रहो। इन जनवरी 2021 हु हैज बीन टेम्पररी असाइंड द चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जनवरी 2021 में किसको अस्थायी रूप से आयुष मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है? पेमा खंडू, प्रहलाद सिंह पटेल, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, किसको दिया गया है? वेरी नाइस, थर्ड किरण रिजिजू, किरण रिजिजू आंसर आना शुरू हो रहे हैं अब धीरे धीरे, मेरे को किरण रिजिजू आंसर दिख रहा है थर्ड, प्रहलाद सिंह पटेल भी आंसर बोला जा रहा है, द करेक्ट आंसर इज किरण रिजिजू। अच्छा किरण रिजिजू एक्चुअल में हमारे कौन से मंत्री हैं? प्रहलाद सिंह पटेल को नहीं, किरण रिजिजू को दिया गया है टेम्पररी बेसिस पर,
लेकिन अगर मैं तुम लोग से पूछूं किरण रिजिजू किस चीज के मंत्री है हमारे, कीर्ति ने जूजू के साथ ही आग लगानी है, जीजू के साथ, किरण रिजिजू। हाँ स्पोर्ट्स, वेरी नाइस। अरुणाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी अरुणाचल वेस्ट, वेरी नाइस वीर विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बैग द प्रेस्टीजियस गोल्ड मैन एनवायरमेंट प्राइज 2020, प्रतिष्ठित गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 किसने जीता है? बानकी मून, पॉल सियान त्वा, जो बिडेन, ऑंग सान सू की। स्पोर्ट्स मिनिस्टर और यूथ अफेयर्स मैंने। पॉल सीन तुआ, पुनीत ने आंसर दिया पॉल सीन तुआ, यूथ एंड स्पोर्ट्स, गुड। तपस, ही इज नॉट अपॉइंटेड एज द आयुष मिनिस्टर, ही हैज बीन जस्ट गिवन अ टेम्पररी चार्ज ऑफ द आयुष मिनिस्ट्री अंटिल एंड दैट टाइम द न्यू मिनिस्टर इज बीइंग असाइन। जब तक नया मिनिस्टर नहीं असाइन होता तब तक के लिए इनको टेम्पररी बेसिस पे दिया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको दिया गया। हाँ, हर्षवर्धन को क्यों नहीं दिया गया, एक सवाल आता है। हर्षवर्धन के पास ऑलरेडी अगर देखा जाए तो WHO का भी काम पड़ा हुआ है और वो वैसे ही हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस साल हेल्थ मिनिस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा बर्डन में है, तो इसलिए नहीं किया गया। नाउ द करेक्ट आंसर पॉल सीन तोआ, दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेप्टेम्बर 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रोप्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स। सितंबर 2020 में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। फास्ट, नेहा सेकंड, अब्बास सेकंड, अच्छा वो पिस्टे वाले का था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। आयुष्मान खुराना, पुनीत का सबसे पहले आंसर आ चुका है आयुष्मान खुराना। गाइज, अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया थोड़ा सा वेट करके सेशन को लाइक और शेयर कर दो, क्या पता उसके बाद बहुत अच्छे से चल जाए कमेंट्स, जोकिंग, बट डू लाइक एंड शेयर। आयुष्मान खुराना को लॉक किया जाए, लेट्स चेक। आयुष्मान खुराना बहुत सही, ड्रीम गर्ल कुछ बोल लो, आज टोयोटा किर्लोस्कर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आयुष्मान खुराना को, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमांचला डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन सितंबर 2020। सिमांचला डैश को सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, AIIB। फास्ट है गाइस, जल्दी जल्दी शेयर करो और लाइक भी कर दो, और डिसलाइक करना है तो वो भी कर दो, बस जो करना है कर दो। IMF, सबसे पहले सादिक का आंसर दिखाई दे रहा है, फिर लेनार्ड का, सिप्तान ने वर्ल्ड बैंक बोला है, प्रशांत ने सेकंड IMF। अच्छा, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है जल्दी से बताओ, और IMF के हेड कौन है इस समय? IMF का हेडक्वार्टर और हेड कौन है दोनों बताना मेरे को। IMF का हेडक्वार्टर और हेड जल्दी से बताना। IMF आंसर आना शुरू हो गया, विद्या ने AIIB बोला है। विद्या तुम पहले तो मेरे को AIIB का हेडक्वार्टर बताओ और उसके हेड का नाम बताओ जल्दी से। अच्छा, AIIB और ADB दोनों में लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों के हेडक्वार्टर्स बता देना लास्ट में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फास्ट, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, वॉशिंगटन DC, वेरी नाइस। क्रिस्टीना जॉर्जीवा, वॉशिंगटन DC, ग्रेट। उसके बाद मेरे को ये बताओ, यूनाइटेड स्टेट्स, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा है इसकी हेड। फाउंड किया गया था 1945 में, दिसंबर 1945, इट वॉज फाउंडेड ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर। अब एक सवाल है, ADB और AIIB का है? ADB मनीला, AIIB बीजिंग, वेरी नाइस, मनीला फिलीपींस और AIIB बीजिंग। अच्छा, AIIB में हाईएस्ट शेयर किस पर्टिकुलर कंट्री का है और सेकंड हाईएस्ट शेयर किसका है? हाईएस्ट शेयर किसका है AIIB का में, और सेकंड हाईएस्ट शेयर किसका है?
अर्चना तुम्हारा आंसर मेरे तक बेटा पहुंच ही नहीं रहा, सॉरी फॉर दैट, बहुत अच्छी बात है। हाँ पहले चाइना है फिर इंडिया का शेयर, वेरी नाइस पुनी, सबसे ज्यादा चाइना ठीक है और फिर उसके बाद इंडिया का शेयर है, गुड। मेरे को पुनीत ने आंसर दे दिया है और अर्चना के भी आंसर आ रहे हैं, एआईएबी बीजिंग, वेरी नाइस। चाइना इंडिया, नंबर वन चाइना, सेकंड नंबर पर इंडिया, वेरी नाइस। अभी एआईबी में किस यूरोपियन कंट्री को रोप इन करने की बात चल रही थी चाइना का, जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं शुरू हुआ था तब तक ये था कि फ्रांस इन्वेस्ट करेगा ठीक है। नहीं 17% नहीं है, इंडिया का 9% के अप्रोक्स है और चाइना का 30% के अप्रोक्स है ठीक है। 17% इंडिया ने, यहाँ से जो क्रेडिट है क्रेडिट इंडिया ने 17% उठाया हुआ है एआईएबी से, इंडिया का शेयर 9% का है, इंडिया ने क्रेडिट बहुत उठाया हुआ है एआईएबी से ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? रामशंकर कठेरिया, मनोज आहूजा, नंद कुमार साई, भगवान लाल साहनी। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो फास्ट। किसको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ सीबीएसई, नए सीबीएसई के चेयरमैन कौन बने? हमारे यहाँ सीबीएसई बहुत सारे अब एग्जाम्स में भी अपना सिलेबस का रोल इन बना रहा है, मनोज आहूजा, वेरी नाइस विद्या सागर, मनोज आहूजा। उससे पहले अनुराग का आंसर दिख रहा है मेरे को, राहुल का आंसर दिखा है, माधव का आंसर दिखा है ठीक है, और मैं अर्चना तुम्हारा देख रहा हूं अभी, अर्चना नहीं दिखा तुम्हारा, श्लोक का दिख चुका है, साक्षी, विनीता, माधव, मेनी पीपल आर आंसरिंग, वेरी नाइस, बहुत सही चल रहा है। या मीनाक्षी है अभी मैं यहां पर, थैंक यू, तो वेरी नाइस मनोज आहूजा, दैट्स द करेक्ट आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमर क्रिमलेव हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में उमर क्रिमलेव को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, वर्ल्ड रोइंग फेडरेशन। राधे मेरे को दिख रहा है, अनुराग, अर्चना, सबका नाम दिख रहा है, मैं ले रहा है सबका नाम। सबसे पहले आंसर जिसका आया पहले उसका नाम लूंगा, सबसे पहले मेरे को आंसर अभिषेक का दिखाई दे रहा है, वेरी नाइस अभिषेक, द फर्स्ट आंसर विच आई एम गेटिंग इज अभिषेक, बैडमिंटन, इंटरनेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन, फिर अनुराग रोइंग, आईबीए, लेनार्ड का भी आया, गौरव ने सेकेंड बोला इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, आईबीए बहुत आ रहा है, बॉक्सिंग आ रहा है, सारे तो आ गए बट द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, आईबीए सही आंसर है, नहीं फयाज जूडो नहीं है, करेक्ट आंसर था इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेड एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है, तो याद रखना इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, क्लियर। 57% वोट मिले थे इनको, क्रेमलेव को, ये जो जीते हैं ना इस पूरे फेडरेशन में, 5 कैंडिडेट खड़े हुए थे उसमें से 57% वोट इन्होंने अचीव किया, एक बड़ा मार्जिन है ठीक है, क्लियर। ऐसा बोला जा रहा है कि इनके यूएस के साथ ताल्लुकात है, लिंक है, जिसकी वजह से ये जीत रहे हैं, मतलब एलिगेशन है इन पे। नेक्स्ट, हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ग्रेग बार्कले, शशांक मनोहर, इमरान ख्वाजा, डैनियल विटोरी। आईसीसी का नया हेड किसे बनाया गया, जल्दी से बताओ, नए चेयरमैन आईसीसी के, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीसी? मीनाक्षी, आई जस्ट टेकिंग सेशंस ऑफ एमसीक्यू एट 11 o'clock डे, बट दिस करेंट अफेयर सेशन इज गोइंग ऑन एट 7 o'clock, मोस्टली टेकन बाय अदर सर, पांडव सर वो लेते हैं, पुष्पक पांडव सर वो ले रहे हैं 7 बजे क्लास, मीनाक्षी, इन द मॉर्निंग 7 o'clock पुष्पक पांडव सर टेक्स दिस क्लास ऑफ योर करेंट अफेयर्स।
ग्रेग बाकले, वेरी नाइस, ग्रेग बाकले। इन्होंने शशांक मनोहर को सक्सीड किया है। पहले शशांक मनोहर थे जो इंडिया से थे, अब ये हट रहे हैं। शशांक मनोहर के हटने के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल के जो एनजेड, मतलब न्यूजीलैंड क्रिकेट, सिंपली FI से न्यूजीलैंड क्रिकेट, कोई काउंसिल कोई बोर्ड नहीं लगा है उसके आगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट के जो हेड है वो अब बन रहे हैं इसके ICC चेयरमैन ग्रेग बाकले। सो दैट्स द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नॉट अ रेसिपियंट ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड इन 2020। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है? मैरी कॉम, मनोज दास, अनिरुद्ध जगनौत, छन्नू लाल मिश्रा। अर्चना का नाम मैंने बार बार लिया, अर्चना बहुत सही जवाब दे रही है, ठीक है, लिटरली अर्चना इज आंसरिंग, अब क्या क्या कह रहे ठीक हैं? है, और कैंडी उसके लिए आवाज भी उठा रहा है, वेरी नाइस। अच्छा, तपस, प्रीवियस करंट अफेयर्स यू विल हैव टू जस्ट फ्लॉक इन फॉर दैट इन द प्लेलिस्ट देयर। एग्जैक्टली आई कैन नॉट टेल यू द डेट, क्लियर? अभी चाहिए तो सुबह। एग्जैक्टली आई कैन नॉट टेल यू द डेट। या करेक्ट आंसर, सो फाइनली करेक्ट आंसर मनोज दास आंसर आना शुरू हो गया है। मैं एक टाइम के लिए तो महेश दास याद आ रहा था मेरे को, बीरबल साहब याद आ रहे थे, लेकिन मनोज दास है, वेरी नाइस। ठीक है, इनको छोड़कर बाकी सब पद्म विभूषण के रेसिपियंट है। मैरी कॉम को भी मिला है, अनिरुद्ध जगनौत को भी मिला है, छन्नू लाल मिश्रा को भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज ऑन जुलाई 2020? जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? जेवियर पेरेस डे क्यूलर, कर्ट वाल्डहीम, बांकी मून, एंटोनियो गुटेरेस। फास्टर, जल्दी से आंसर करो गाइस, फास्ट है एवरीवन। लेट्स सी दिस टाइम हु इज गोइंग टू गिव द फर्स्ट आंसर। और फिर से कमेंट एकदम फ्लॉक हो गए हैं और मेरे को दिखाई नहीं दे रहा किसका पहला आंसर है। आई एम नॉट एबल टू, अर्चना चौथा दिखाई दे रहा है, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस सबका दिखाई दे रहा है, एंटोनियो गुटेरेस, तो एंटोनियो गुटेरेस दैट्स द करेक्ट आंसर फोर्थ, और सभी का दिखाई दिया है, वीर विक्रम, अर्चना, रॉकी, अभिषेक, विद्या, फयाज, लेनार्ड, एवरी वन, सबका सही आंसर है। मेरे ख्याल से 100% वाला आंसर है, वेरी नाइस। हु हैज अज्यूम चार्ज एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इतनी बार ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है तुम लोगों को। चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं पूछ रहा हूँ, नए इलेक्शन कमिश्नर पूछ रहा हूँ, इसलिए याद रखना तीन इलेक्शन कमिश्नर हैं। CEC नहीं पूछा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं पूछा है, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर पूछा है। और किसके हटने पर ये बने ये भी बता देना, और जो बंदा हटा है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का क्या बन के गया है, ठीक है, तो जल्दी से बताना। या एंटोनियो गुटेरेस फ्रॉम पोर्चुगल, भारत की बहुत कशमकश रही है पोर्चुगल के साथ, क्योंकि जब हमने पुलिस एक्शन किया था। जल्दी से बताओ क्या होगा, थर्ड, राजीव कुमार, वेरी नाइस। सबसे पहले यहाँ पर नेहा, फिर प्रीति, कैंडी, फयाज, स्वाति, ज्योति, दिव्या, प्रीति, पीयूषी, अर्चना, वीर विक्रम, सादिक, साक्षी, प्रसाद, प्रशांत, दिव्या, अर्चना, गहन, ज्योति, सबका आंसर आ चुका है, वेरी नाइस। लेकिन अभी तक मेरे को वो आंसर नहीं मिला किसको रिप्लेस किया है। अशोक लवासा, ये सबसे पहले मेरे को रेहान ने दिया है। रेहान, दूसरा सवाल, अशोक लवासा किसके क्या बन गए हैं अब? बिफोर पुष्पक सर, आई डोंट नो हु वॉज टेकिंग राइट नाउ, पुष्पक सर इज टेकिंग एट 7 o'clock, यू कैन टेक दैट क्लास एवरी डे, एंड ऑल द लेक्चर्स ऑफ पुष्पक सर आर अवेलेबल ओवर देयर। तपस, अशोक लवासा ADB में गए, वेरी नाइस। विद्या, अशोक लवासा डेप्यूटी हेड ऑफ ADB। प्रशांत का आंसर आ चुका है, प्रीति का आंसर आ चुका है, बहुत सही, अशोक लवासा ADB के डेप्यूटी बन के गए हैं, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ नेशनल कायाकल्प अवार्ड हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार के किस संस्करण का हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया? सेकेंड, थर्ड, टेंथ, फिफ्थ, क्या होगा? डेप्यूटी हेड, हेड नहीं, वाइस प्रेसिडेंट।
क्योंकि उसके हेड है मसासुगु असकावा, उनके डेप्यूटी बने हैं एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा। हेड तो मसासुगु असकावा है, उनके डेप्यूटी है। वेरी नाइस, चलो कीप ऑन शेयरिंग द सेशन गाइस एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सबके सामने है, देखते हैं सबसे पहला जवाब कौन देता है। फैमिली वेलफेयर की अगर हम बात करें, हेल्थ ऑफ फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर हर्षवर्धन मंत्री है और डॉक्टर हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदनी चौक दिल्ली। बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज विच एडिशन, फिफ्थ एडिशन आंसर आना शुरू हो गया। वेरी नाइस, दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा तेज चलेंगे हम लोग क्योंकि आधे घंटे बीत चुके हैं और अभी हमारे पास 20 क्वेश्चन पूरे पूरे बचे हुए हैं। इन दिसंबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रोप्ड इन बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद एज इट्स ब्रांड एंबेसडर इन रिटर्न फॉर अ माइनॉरिटी इक्विटी स्टेक। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को मामूली इक्विटी हिस्सेदारी के बदले में अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है? अमेजन पे, पेपैल, स्पाइस मनी, पेटीएम, किसने? रेहान सवाल जूम करना भाई, सवाल अभी इतने ही हो पा रहे हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम, मैं हमेशा बोलता हूँ तुम लोग कहोगे सर आप करते नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा सवाल जूम करना। अभी तो सवाल जूम मैं सोच रहा था आंसर आ जाएगा, ये तो फाइनली आंसर नहीं आ रहा। थर्ड स्पाइस मनी आंसर आ गया। स्पाइस मनी, वेरी नाइस, स्पाइस मनी दैट्स द करेक्ट आंसर। अचना नहीं, पेपैल नहीं है बेटा, स्पाइस मनी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फवाद मिर्जा इज एन इंडियन डैश हु वाज अवार्डेड द अर्जुना अवार्ड इन 2019। फवाद मिर्जा एक भारतीय क्या है जिन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इक्वेस्ट्रियन राइडर, गोल्फर, रेसलर, वेट लिफ्टर। फवाद मिर्जा क्या है? फवाद मिर्जा साहब, कोई बात नहीं अर्चना, नेक्स्ट जल्दी से बताओ फवाद साहब क्या है। एक बात याद रखना, जो गेम तुमको बहुत ज्यादा दिखने में याद हो उसको तो नहीं, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स रहे हैं जो एक ऐसे गेम को बिलोंग करते हैं जिसका बहुत ज्यादा तबका नहीं देखता, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता मैं। करेक्ट आंसर वन, इक्वेस्ट्रियन राइडर हैं ये, इक्वेस्ट्रियन राइडर है, ठीक है। ये फर्स्ट ऐसे इंडियन इक्वेस्ट्रियन राइडर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन गेम्स में, वो भी इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है। 2019 में इनको अर्जुना अवार्ड मिला है, ठीक है, और 2019 में इन्होंने गोल्ड भी जीता था पोलैंड में, ठीक है। और इनका नए घोड़े का नाम पता है क्या? दजारा। इनके नए घोड़े का नाम है दजारा। Who virtually received the Scotch Challenger Award conferred to the Ministry of Tribal Affairs for e-governance in January 21? जनवरी 2021 में किसने आभासी रूप से e-governance के लिए जनजाति मामलों के मंत्रालय को प्रदान किया गया Scotch Challenger पुरस्कार प्राप्त किया? शिबू सुरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, सरयू रॉय। तुक्का लग गया सबका, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, लेट्स सी हू इज गोइंग टू गिव द करेक्ट आंसर नाउ। गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो फास्टर। अर्जुन मुंडा जवाब आ रहा है, दैट्स द करेक्ट आंसर, अर्जुन मुंडा, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2020 के डेटन लिटरेरी पीस प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? एलिस मिनरो, मार्गरेट एटवुड, जेन ऑस्टिन, जेके रॉलिंग। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मेरा पूछा हुआ पुराना क्वेश्चन है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करो इसका, लेट्स सी हू इज गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर। झारखंड, अगले क्वेश्चन का जवाब अभी तक दिखा नहीं मेरे को। गाइस एलिस मुनरो, मार्गरेट एटवुड, जेन ऑस्टिन। जोशी साहब कहाँ हैं आज? उनका जोश नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है जोशी? चंदन उर्फ अजय कहाँ है आज? कैंडी बॉय, रॉकी, अनुराग, मित्रगढ़ कहाँ है आज? एटवुड, बहुत सही।
मार्गरेट एटवुड करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, केन्स फिल्म फेस्टिवल इज हेल्ड इन, कांस फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड. एटवुड सही आंसर है. जनार्दन दगाले, अमित, हाँ पूजा आज तुम हो और एक्चुअल में तुम गायब रहते हो ज्यादा टाइम. अच्छा अजय का कल एग्जाम है. फ्रांस आंसर्स आना शुरू हो गए हैं. फ्रांस, इटली मिक्स आंसर्स आ रहे हैं बट द करेक्ट इज फ्रांस. वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has been appointed as the chief personal guardian of the chief conservator of forest? Who among the following has been appointed as the chief personal guardian of the chief conservator of forest? निम्नलिखित में से किसे मुख्य वन संरक्षक के मुख्य निजी संरक्षक नियुक्त किया गया है? श्रुति शर्मा, मोहनलाल मीना, अखिल अरोरा, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल. फ्रांस, पेरिस, सीन रिवर. वेरी नाइस. कैंडी, कैंडी आज तुम डेफ बा, एक बात बताएं, आज तुम अनुराग की तरह जवाब दे रहे हो. अनुराग आज एकदम ठंडा पड़ गया है. बस 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 गाइस, कीप ऑन शेयरिंग द सेशन एंड हिट द लाइक बटन आल्सो. विद्या तुम्हारा एग्जाम कब होगा मैं अभी नहीं बता सकता. और देखो टेक्स्टबुक की तरफ से आपसे पूछा जा रहा है, हाउस द जोश गाइस, हाउस द जोश. और आवाज इसी तरह आनी चाहिए, यहां तक तो नहीं आएगी लेकिन कमेंट को एकदम तोड़ के ऊपर फ्लॉक कर जानी चाहिए. चलो फास्टर एवरीवन, फास्टर जल्दी से जवाब दो. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हाँ मीनाक्षी बहुत सही तुक्का, फोर बहुत सही. सुबोध अग्रवाल का तुक्का आ रहा है. लेट्स सी व्हाट द करेक्ट आंसर इज. मोहनलाल मीना, अब्बास, दस्ती, प्रीत, अब्बास, दस्ती, दिव्या, विक्टोरिया, इन सबका आंसर बहुत सही है. ठीक है, मोहनलाल मीना इनको अपॉइंट किया गया है चीफ पर्सनल गार्जियन ऑफ द चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. वेरी नाइस, हाय एकदम हाय. चलो, जो बिडेन टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ही इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए. कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन? 42वें, 45वें, 48वें, 46वें, 42nd, 45th, 48th, 46th. हाँ एकदम हाय, वेरी नाइस अर्चना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ अनुराग का आज कमेंट बॉक्स नहीं चल रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 46, 45th, 42nd, सारे तो मेरे को दिखाई गए. 46 भी दिखाई दिया, 42nd भी, 45th भी, 48th भी. फाइनली द करेक्ट आंसर इज 46th. वेरी नाइस, एकदम जोश भर गया सब में, मस्त आंसर्स आ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2020 हु वन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड. दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड किसने जीता? विराट कोहली, इयान बेल, राशिद खान, एमएस धोनी. स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, आईसीसी के स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसने जीता भाई? मास्टर यहां महाभियोग कौन लगा दे रहा है? पूजा महाभियोग कहां ले आई बेटा, 61 है वो, ये 46 था, 61 कहीं लिखा होता, महाभियोग लगा दो. किस पर लगाना है? कोविंद जी पर मत लगाओ, बहुत सीधे आदमी है. अच्छा माही पर लगा दोगे क्या? महेश सिंह धोनी, माही मार रहा है बहुत सही. अच्छा माही से माही नदी भी आ गई, माही मार रहा है. और माही नदी ने किस लाइन को काटा है जल्दी से बताओ? भारत से जाने वाली, बीच से भारत के बीच से काटने वाली, भारत को दो हिस्सों में, वो कौन सी लाइन है? हाँ अनुराग मैंने देख लिया, यू आर हियर, वेरी नाइस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिकॉग्नाइज विद द अवार्ड ऑफ मेरिट इन 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन. निम्न में से किसको सांस्कृतिक विस्तारित संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट मान्यता दी गई?
गुजरात माही नदी कर्क रेखा को काटती है, बहुत सही। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, वेरी नाइस। इसी तरह रिवाइज करते चलते हैं, पूरा पढ़ते चलते हैं, मस्त तरीके से तैयारी करते चलते हैं, और एनटीपीसी क्रैक करना है भाई। एनटीपीसी हो या ग्रुप डी, इसके बाद सीएचएसएल लगा हुआ है, सीजीएल लगा हुआ है, सारे एग्जाम ताबड़तोड़ तैयारी होनी चाहिए, एकदम ताबड़तोड़ तैयारी। केप्रिकॉन भारत में कौन ला दिया यार, केप्रिकॉन भारत में कौन ला दिया, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिकॉग्नाइज विद द अवार्ड ऑफ मेरिट इन द 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन। निम्न में से किसको सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड के में अवार्ड ऑफ मेरिट मान्यता दी गई। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, अमर सिंह कॉलेज फॉर श्रीनगर, कश्मीर लॉ कॉलेज, विश्व भारती वुमेन्स कॉलेज। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी बता दे रहा हूँ। अमर सिंह श्रीनगर बहुत सही सही आंसर है, ये मैं पहले करा भी चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन ऑनर्ड विद लीजन ऑफ मेरिट बाय द हेड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। और ये अभी कल ही परसों के किसी सेशन में हमने एक बार पढ़ा था, रिवाइज करते हैं जल्दी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश के प्रमुख द्वारा लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, जल्दी से बताओ। यूएई, रशिया, यूएसए, इजिप्ट। बहुत सही नेहा, यूएई आंसर आ रहा है, यूएई, बट द करेक्ट आंसर यूएसए, लीजन ऑफ मेरिट यूएसए ने दिया है, यूएई ने कुछ जायद अल नहन करके दिया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, जल्दी से बताओ। मिस्टर राजेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्रो निंगोबम, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, नन ऑफ द अबव। डेफिनेटली यूपीएससी क्रैक होगा नया, और स्पेशली तुम्हारी करंट बहुत अच्छी है बेटा, इसी तरह पढ़ते रहो, जीके करंट एक्सेप्शनल, कीप ऑन डूइंग दिस। फास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा, लेकिन अगला क्वेश्चन का जवाब भी दे दो यार, मिक्स आंसर्स आ रहे, वन टू सी सब आ गया। ज्ञानेंद्रो, तो ज्ञानेंद्रो निंगोबम, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड। निम्नलिखित में से किसने दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता है। रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली। ज्योति अर्चना, गाइस बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, जवाब दे रहे हो, बहुत सही, इसी तरह देते रहो। सिलेक्शन सबका पक्का है, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, बल्कि मेरी तरफ से तो दुआएं है बेटा, सीजीएल क्रैक करो और आगे तक जाओ, ऊपर वाला करे, यूपीएससी क्रैक करो, लेकिन जवाब मस्त तरीके से इसी तरह देते रहो। पहले विराट कोहली आंसर आना शुरू हो गए, दैट्स द करेक्ट आंसर। पूजा, दिव्या, सिप्तैन, विनीत, अब्बास, अजय, बाबूबीन, बहुत सही, कीप ऑन द स्पिरिट हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन चूजन एज द बेस्ट एक्टर इन द 65th नेशनल अवार्ड्स 2018। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। रिद्धि सेन, फहाद फजील, शिभा प्रसाद मुखर्जी, अमिताभ बच्चन। अशोक लवासा, लग रहा है फजल का बहुत पुराना आंसर अभी आ रहा है। तब बस ये तुम्हारा कब का डाउट खत्म होगा भाई, फाइनली आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। रिद्धि सेन, दैट्स द करेक्ट आंसर, रिद्धि सेन। नेक्स्ट, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर 2020 एजुथचन पुरस्कारम, द केरला गवर्नमेंट हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। केरला सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 2020 के लिए किसे चुना गया है। पॉल जचारिया या जकारिया, इफ आई से, अदूर गोपाला कृष्णन, मम्मूती, के रविंद्रनाथन नायर।
हाँ मैंने आंसर दिखा दिया था अभिषेक। करेक्ट गाइस, वेरी नाइस। पॉल जचारिया, करेक्ट, पॉल जचारिया सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? योशी हिदे सुगा, शिंजो आबे, वेली मोरर, मेते फ्रेडरिस्किन। और ये तो यार बहुत आसान सवाल है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। स्ट्रगल का क्लासेस, यू आर लेट, लेट हो गए भाई। अगला आंसर करो जल्दी से, नहीं से फिर से वन ही सब सीधा मारते चले जाएंगे। सुगा साहब के ऊपर सबका आना शुरू हो जाएगा। वेरी नाइस योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, इन नवंबर 2020 हु हैज बीन रोट इन एज एम्बेसडर ऑफ क्यूमैथ। नवंबर 2020 में क्यूमैथ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? सानिया मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा, विद्या बालन, कंगना रनौत। राधे तुम्हारा दिख रहा है, अभी अभी दिखा, सच बताऊंगा। अनुराग मुझे पक्का भरोसा है कि तुम आंसर दे रहे हो, लेकिन मेरे तक देर पहुंच रहा है। अभी अनुराग का रोइंग मेरे पास दोबारा से आया, मैं खुद सोच रहा हूं, सोचो कब का अब आ रहा है। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ। मीनाक्षी और सुबह, पुष्पक सर का क्लास होता है उसे देख लो 7 बजे, मेरा नहीं हो रहा बेटा, मैं सिर्फ एमसीक्यूज लेता हूँ 11 बजे, ठीक है, रात का 11, वो सुबह 7 बजे। वेरी नाइस विद्या बालन सही आंसर आ रहा है। मेरे सामने कमेंट वापस से रिपीट हो रहे हैं मेरे ख्याल से। हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नजीब जंग, नवीन चावला, नजमा हेपतुल्ला, श्री घोरियल हसन। हेलो राहुल, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है एक्चुअल में। करेक्ट आंसर नवीन चावला नहीं है, घरेलू हसन है, श्री घरेलू हसन। इनको बनाया गया चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का, क्योंकि जब बात होगी माइनॉरिटीज की तो जनरली ज्यादातर, ये एक बात याद रखना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस्लामिक ही आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे देश के माइनॉरिटी का एक सबसे बड़ा तबका है इस्लाम रिलीजन से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उन्हीं को दिया जाता है माइनॉरिटी अफेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कन्फर्ड ऑस्कर अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट फिल्म। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, सॉरी सम्मानित किया गया था? अवेंजर्स, गली बॉय, पैरासाइट, जोकर। ये नॉन इंग्लिश मूवी है, इंग्लिश मूवी कभी पूछी जाए, इंग्लिश मूवी हु वन द बेस्ट फिल्म फॉर ऑस्कर, हु वन द वर्स्ट बेस्ट फिल्म इन ऑस्कर, वो 1937 थी, नहीं 1917 थी इंग्लिश मूवी, 1917 थी, और नॉन इंग्लिश में पैरासाइट है। ठीक है, कमेंट्स आर रिपीटिंग गाइस। बहुत सारा इशू आ रहा है कमेंट्स के साथ। हु वॉज अनाउंस एज द इंडिविजुअल ल्यूरेट फॉर द 2020 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड? इसका सही आंसर दे देता हूं। द करेक्ट आंसर इज ग्यानलोब संगे जोड़ेन वांगचुक, क्योंकि ये पुराना ही क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। हु हैज टेकन ओवर एज द फर्स्ट एवर वुमेन हेड ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? निशा गोदरेज, अमीरा शाह, सोमा मंडल, दिव्या गोकुलनाथ।
नहीं गली बॉय नहीं था, पैरासाइट और 1917 है। 1917 इंग्लिश मूवी है, पैरासाइट नॉन इंग्लिश में पाई थी, दो अलग अलग कैटेगरी में। सोमा मंडल आंसर आना शुरू हो गया, वेरी नाइस सोमा मंडल, वेरी नाइस। एंड हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बैग द बेस्ट ड्रामा सीरीज ऑनर एट द 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। निम्नलिखित में से किसने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज सम्मान प्राप्त किया है? शी, डेली क्राइम्स, मिर्जापुर, क्राइम पेट्रोल। बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका हूँ, जल्दी से आंसर करो, आगे बढ़े, खत्म करें आज का सेशन। सोमा मंडल आंसर आ चुका है, वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन का आंसर करो फास्ट। हाँ लोकल लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम थी, वेरी नाइस नेहा। रानू मंडल, सोमा मंडल, डेली क्राइम, दैट्स द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमारा 40-40 राउंड खत्म। 40 क्वेश्चन 40 मिनट तो नहीं, आज 40 क्वेश्चन 50 मिनट्स हो गया, क्योंकि कमेंट बॉक्स सबका हैम्पर हो रहा था, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, मेरा खुद का हैम्पर हो रहा था, तो मैं दूसरे को क्या कहूंगा यार। बट स्टिल आउट ऑफ ऑल दिस ग्लिच हैपनिंग वी स्टिल कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन राउंड। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा भाई, बहुत कम लाइक्स गए हैं, लाइक जल्दी से करो, जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया और शेयर करके जाना, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, गुड नाइट, मस्त रहो, पढ़ते रहो। नहीं कालीन भैया नहीं है यहाँ पर, थैंक यू एवरीवन, मजेदार सेशन एज यूजुअल हमारा। थैंक यू अर्चना, रीता, विक्रम, हितेशा, पीयूषी, अब्बास, नेहा, अनुराग, राधे, कीर्ति, रॉकी, सनी, मीनाक्षी, डस्टी, प्रीति, राजकिरण, रोहित, जगगोपाल, जनार्दन, वीर विक्रम, रोहित, सौम्यदीप, राहुल, कोई बंदा अगर मेरे से छूट जा रहा है भाई मेरे को माफ करना, आमिर, सबका, मोहम्मद सादिक, अब्बास अली, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, अ वंडरफुल सेशन नाउ कम्स टू एन एंड। फिर मिलेंगे कल, वापस से मुलाकात होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मस्त रहो एकदम, और एग्जामिनर को एक पेपर बनाने में पस्त कर दो अपनी तैयारी से। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, मस्त रहो।